Example number 2.7 है. According to figure, a point charge Q is situated at center of hemi space surface. ये एक hemi space surface आपके पास given है और इसके center पे चार्ज कितना है, Q है आपके पास. Find the value of total electric flux passing through the surface. इस hemi space के surface से कितना electric flux pass करेगा वो हमें calculate करना है. पहले मुझे एक आंसर दीजिए कि अगर मान लीजिए इस हेमी स्फीयर के इस सेंटर के पार्ट के ऊपर ये चार्ज रखा है तो चार्ज इज ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस. तो ये ओपन सरफेस का चार्ज है और ओपन सरफेस का चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो गॉस लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते. बाकी हम लोग आपके पास ना ही उससे कैलकुलेट कर सकते हैं फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस ऑफ थीटा से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास गिवन नहीं है. तो सबसे पहले हम इसको क्लोज सरफेस बनाएंगे और क्लोज सरफेस बनाने के लिए हम सिमेट्री काम में लेंगे. सिमेट्री का मतलब क्या है, जिस सरफेस पे ये रखा है वैसा ही कुछ सरफेस आप भी बना दिए. तो मैंने इस स्फीयर को पूरा करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर एक अनोदर हेमी स्फीयर पुट कर दिया, ये सेकंड वाला. जैसे ही यहाँ पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज सरफेस. और क्लोज सरफेस ये बनेगा तो आपको पता है कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होता है. क्लोज सरफेस का फ्लक्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. भाई फ्लक्स होता है कितना है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. लेकिन समीशन क्यू की जगह एक सिंगल चार्ज है तो जो टोटल चार्ज है वो क्यू के इक्विवेलेंट है. ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स कितने हेमी स्फीयर का है, टू हेमी स्फीयर का फ्लक्स है. हमें कितने का चाहिए, वन का. अगर दो हेमी स्फीयर का फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है तो एक का कितना आएगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. दैट इज फ्लक्स ऑफ गिवन क्वेश्चन, Q by 2 epsilon naught. Thank you.